अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी आज मैं बना रही हूँ भिंडी। और भिंडियाँ जो हैं, वैसे तो मैं कैरी वाली भिंडी बनाती हूँ, लेकिन अभी तो कैरियाँ नहीं आई हैं, तो बिना कैरी की भिंडी बनाऊँगी। तो भिंडियों का सालन भी वैसे तो बहुत अच्छा बनता है, तो मैंने अभी भिंडियों को वॉश कर लिया है। तो इसको वॉश करने के बाद मैंने इसे फैला दिया था रुमाल पर, ताकि ये ड्राई हो जाएं और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अगर ये गीली गीली काटूंगी तो ये लेसदार बनती हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। और ड्राई करके बनाओ तो ये अलग अलग खिली खिली बनेंगी। तो साथ में यहाँ पर मैं धनिया भी काट लूँगी। और अभी कढ़ाई में ऑयल मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल दूँगी। और जब प्याज फ्राई हो जाएंगे तो इसमें भिंडी डालूँगी। तो मैं ये हरी मिर्चों की बनाऊँगी, तो नमक मैं साथ में नहीं डालूँगी, और नमक मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी, क्योंकि इसमें लेस बन जाता है। नमक अगर साथ में डालो तो ये लेस छोड़ जाता है, जिससे भिंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, जिससे भिंडी मेरी बिल्कुल अलग अलग बनेगी और लेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसमें पानी भी नहीं डलता, और बहुत ज़्यादा भी इसे कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा दम में लगा दूंगी और ये अपने ही पानी में बन जाएगी। यहाँ पर जो सामान मैंने मंगवाया था, वो सामान अभी मैं सेट करके लगा दूँगी। तो सामान को लेकर आना और फिर उन्हें अपनी अपनी जगहों पर रखना। तो किचन में ये सामान लगाना और चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आगे पीछे हो जाती हैं, तो वो अक्सर एक्सपायर हो जाती हैं, जो हमारे किसी काम की भी नहीं होती। और हर चीज़ को साफ करना और देख देख कर रखना पड़ता है, क्योंकि दालें मसाले सबको अलग अलग करके रखना होता है। तो पुरानी चीज़ों को निकालना और नई चीज़ों को रखना, तो इन सब में मुझे 2-3 घंटे लग गए थे। रमज़ान में बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं अपने तमाम काम पहले से कर लूँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सब चीज़ों को सेट करके रख दिया है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे नए कपड़े जो बनकर आ गए हैं।
तो अभी हमारे कपड़े स्टिच होकर आ गए हैं और मैं आपको इसका फ्रंट और बैक दिखा देती हूँ। ये ग्रीन कलर का है और ये 3-पीस सूट है। ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरी बेटी फिज़ा का है और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा है और इस पर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये इसकी आस्तीनें हैं। ये इसका ट्राउज़र है और ये बिल्कुल सिंपल सा है। और ये इसका दुपट्टा है। ये पश का सूट है और ये ब्लू कलर का है और इस पर बहुत अच्छी लेस लगी हुई है और इसका गला भी बहुत अच्छा बना हुआ है। पश्का में जेबें भी होती हैं जो कि इसमें नज़र आ रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये इसकी आस्तीनें हैं। आस्तीनों पर भी लेस लगी हुई है। और ये जो ब्लू कलर का सूट है ये मेरा सूट है और इसका प्रिंट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी मैं आपको ये अपनी शर्ट दिखा देती हूँ और इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसकी स्लीव्स में भी लेस लगी हुई हैं और इसके दामन में भी लेस लगी हुई है। और ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। कोई मैंने इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं कराई क्योंकि घर में पहनने के लिए मुझे थोड़े सिंपल कपड़े ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले नहीं। और ये इसका ट्राउज़र है और ये मैंने 4-5 सूट एक साथ स्टिच करवाए हैं जो कि आज ही आए हैं तो मैं आप लोगों के साथ इन्हें शेयर कर रही हूँ। और ये इसका दुपट्टा है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे पेस्ट्री और हमारा ब्लॉग आज का यहीं तक का था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।